राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो न केवल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं बल्कि उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया। सीएम मनोहर लाल के एनआरसी वाले बयान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन दिया है। हुड्डा का कहना है कि जो सीएम मनोहर लाल ने कहा वो कानून है, जो विदेशी हैं उसे बाहर जाना ही होगा, उनकी पहचान करना सरकार का काम है। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान दो ही शब्दों से होती है, एक मंदी और दूसरी तालाबंदी। बीजेपी अहम और वहम के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि आज वो समाज के हर हिस्से को बांटने का काम कर रही है। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी साफ जाहिर हो रही है। रविदास समाज के धरने पर पहुंचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए की गई घोषणाओं पर कटाक्ष किया और कहा कि वो कोई घोषणा पत्र नहीं है, विचार करके घोषणा पत्र तैयार होता है और ऐसी घोषणाएं नहीं चलती। वहीं अशोक तंवर ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बयान दिया है। उनका कहना है कि एनएलओ और जेजेपी राजनीतिक तौर पर कभी एक न हो सके, लेकिन सामाजिक तौर पर वो सभी एक हो, इसके लिए वो शुभकामनाएं देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में और भी अनेक पार्टियों के नेता शामिल होने के लिए तैयार है। साथ ही कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी प्रचार अभियान की शुरुआत करे, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है बीजेपी। वल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने सिविल अस्पताल में मरीजों और पूरी स्टाफ को फल बांटे। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम त्रिलोक चंद समेत डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद रही। देश भर में 20 रेलवे स्टेशन और मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। रोहतक के स्टेशन अधीक्षक को मिली चिट्ठी जिहादी के नाम से आई है, जिसमें बदला लेने की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले में जीआरपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ऐसे मामले यहां पहले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अंबाला में लोगों को ट्रैफिक के नए नियमों के बारे में जागरूक किया। दो दिन चले इस कैंपेन में लोगों को फूल और नए नियमों के जुर्माने के पैम्पलेट देकर लोगों को जागरूक किया गया। पत्नी को उसके दोस्तों के साथ देख पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। अब एक दिन पहले हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें गोलीकांड की पूरी घटना की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पति की तलाश भी शुरू कर दी। हनी ट्रैप के मामले में करनाल पुलिस की सीआईए 2 टीम ने रंगे हाथों 50,000 रुपए लेते हुए दो महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने करनाल के एक बीमा एजेंट से पहले भी 2 लाख रुपए लिए हुए हैं और ये 3 लाख रुपए और मांग रहे थे। पुलिस ने इनसे 50,000 रुपए बरामद किए। अब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।